राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद इस राज्य सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए बहाल की पुरानी पेंशन योजना। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए। दोस्तों जैसे कि कुछ समय पहले यहाँ पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया था, और इसी कड़ी में अब गोवा राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है और गोवा राज्य सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए 17 साल के बाद एनपीएस की जगह पर ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया है। तो इसके संबंध में गोवा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के द्वारा 16 मई 2022 को माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, और पत्र में मुख्यमंत्री के द्वारा कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने का शुक्रिया अदा किया है। तो यहाँ पर कहा है कि गोवा राज्य सरकार ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया है और 17 साल के बाद कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस को बहाल किया है, जो कि कर्मचारी हित में राज्य सरकार के द्वारा उठाया गया एक शानदार कदम है। तो गोवा राज्य सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और इसके अलावा बाकी केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लेकिन फिलहाल काफ़ी अच्छी और खुशखबरी है गोवा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कि उनको भी अब पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।